अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने MI वॉच की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो उसके सबसे पहले हम इसके फ़ीचर देख लेते हैं। या आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। सुपर एमोलेड इसका डिस्प्ले है और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। 3 कलर में ये अवेलेबल है और इसके काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स भी हैं। डिस्प्ले भी बहुत प्यारा है और इसके अंदर आप काफ़ी टाइप के वॉच फेसेस यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। कुछ इसके अंदर बिल्ट इन है, कुछ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी के 16 डे अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी बताते हैं कि अगर आप फेयर यूज़ करते हैं तो 16 डे तक बैटरी चलेगी। GPS इसके अंदर लगा हुआ है जो बहुत ही एक्यूरेट आपकी पूरी मूवमेंट हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। ज़बरदस्त किस्म का इसका ये भी फीचर है। उसके बाद GPS के साथ 50 आवर्स बैटरी लाइफ सपोर्ट करता है, ये भी इसका एक फीचर है। तो हम आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको कंप्लीट आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपके पास इसमें वर्कआउट के 117 किस्म के जो मोड हैं वो आप चेंज कर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अपना एडिशनल भी लगा सकते हैं। और वर्कआउट है ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा आप ब्लड ऑक्सीजन इसके अंदर मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और 24 आवर रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है 13 डेज। तो ये भी एक फीचर है आपके सामने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड पे इसके यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं और चार्जिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी कंप्लीट स्लीप ट्रैकिंग करता है, हर किस्म की मॉनिटरिंग करता है। ये स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये उसकी ऐप है और एक्सोमी की वियर ऐप है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। तो चलिए आपके सामने हम वीडियो शो करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको कंप्लीट इसकी डिटेल बताते हैं और उसके बाद हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे और एंड में आपको इसकी प्राइस बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अमेज़ोन से हमने परचेज़ किया है और आपके सामने इसको ओपन कर लेते हैं बॉक्स को और अपनी वॉच को निकालते हैं और देखते हैं कि वॉच के अंदर में क्या क्या चीज़ मिलती है। सबसे पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये MI वॉच हमारे सामने आ गई है। ये MI की ब्रांडिंग आपको नज़र आ जाएगी और यहाँ पे नीचे MI वॉच नज़र आ गई और काफ़ी अच्छी शेप है। और यहाँ पे आप पूरी डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं कि बैटरी के बारे में और यहाँ पे जो जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं, इसका वेट, उसकी डिफरेंट मोड्स, बैटरी आपको यहाँ पर शो कर दिया कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। तो जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं आपके सामने। वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पे हम इसको वॉच को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आप ओपन करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, उसके बाद आपको ये वॉच नज़र आ जाती है जनाब वॉच, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वॉच है। और यहाँ पे आप देखें बैक साइड पे आपको ये स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे इसका जो सिलिकॉन का स्ट्रैप है। और यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, एक मेन्यू का बटन है और एक स्पोर्ट मोड का बटन है। तो यहाँ पे आप जब उतारेंगे तो आपको नीचे सेंसर नज़र आ जाएंगे, ऊपर हम कवर भी उतार लेते हैं, डिस्प्ले वाला कवर। और नेक्स्ट हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, मज़ीद इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये इसका चार्जर मिल जाता है, ये आप USB के अंदर लगाएंगे और ये मैग्नेटिक है, आप नीचे घड़ी के टच करेंगे तो खुद ही वो उसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा और चार्जिंग ऑन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखें जैसे ही आप ऊपर रखेंगे तो वो मैग्नेटिक जो इसके अंदर फील्ड है उससे वो सारे। तो यहाँ पे USB में आप किसी भी चार्जर के साथ या PC के साथ इसको कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह इसका सेटअप बना सकते हैं, किस तरह फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज पूछेगा कौन सी लैंग्वेज रखनी है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि अपने फ़ोन से स्कैन करें इस बार कोड को, तो आपके पास इसकी Xiaomi की वियर ऐप जो है वो आ जाएगी। तो हम iPhone से हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो हम कैमरा ओपन करेंगे। जैसे हमने इसको स्कैन किया हमारे पास इसकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है हम उस पर चले जाएंगे, Xiaomi की वियर जो ऐप है
तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे हमें स्टोर के अंदर लेगी, यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया। जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको इसके अंदर अपना यूज़र नेम आईडी एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, अलाउ कर देना है, और उसके बाद आपने लैंग्वेज लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मेल फीमेल वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके वेट कितना है वो आपसे पूछेगा, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद हाइट पूछेगा, और उसके बाद आपको कहेगा आप लोकेशन अलाउ करें, तो आपने लोकेशन अलाउ करना है। तो जब ऐड डिवाइस पर आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगी कि कौन सी आपने चीज़ ऐड करनी है, तो आपने वॉच पे जाना है। तो जैसे आप वॉच पे सेलेक्ट करेंगे तो वॉच के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, और आपने इसको पेयर वाले बटन को दबा देना है। तो जैसे पेयर वाले बटन दबाएंगे तो उसके बाद पेयर होगी और आपकी वॉच जो एक्टिवेट हो गई है। तो एप्लीकेशन में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि कौन सी जो बटन को प्रेस करेंगे तो क्या क्या फीचर हैं, कुछ स्टोरेज इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद आप ओके हो जाएगी तो आपकी जो अभी वॉच है वो रेडी है। और यहाँ से आप इसके अंदर जो डिफरेंट फेस हैं वो दिए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई 5 या 6 इसके अंदर लोकल हैं। अगर आपने एडिशनल इसमें करना है तो आप इनकी मार्केट से जाएंगे ऑनलाइन, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फेसेस हैं जो आप डाउनलोड करके आप अपनी वॉच में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर रहे हैं, हम इसको जो फेसेस हैं वहाँ पे अभी डाउनलोड है, अभी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम घड़ी के थोड़े से फीचर चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास मेन्यू आ जाएगा। तो मेन्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप सामने आप टच डिस्प्ले है, आप ऊपर नीचे कर, यहाँ पे जो नीचे वाला जो बटन है ये स्पोर्ट डेडिकेटेड इसमें बटन लगाया है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट वर्कआउट जो है ना उनकी डिटेल आ जाएगी। तो आप जो भी सिलेक्ट करना है वो वहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से आप नीचे के स्लाइड करेंगे तो आपके मैसेजेस शो हो जाएंगे, और नीचे से अगर ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपके पास मेन्यू आ जाएगा, और लेफ्ट राइट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं, आपका स्ट्रेस लेवल, टेम्परेचर, आपका वेदर का टेम्परेचर शो कर रहा है, उसके अलावा आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल अगर आपने मॉनिटर करना है तो आप यहाँ पर जाके पहले आप इसको अपने रिस्ट पे बांधेंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे तो आपका जो मॉनिटर है वो आपके मॉनिटर करेगा कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो यहाँ से जाके हम इसको प्रेस करेंगे तो अभी वॉच ने मॉनिटर करना शुरू कर दिया, तो अभी शो कर देगी कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो इस तरह आप स्ट्रेस लेवल मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी हार्ट बीट मॉनिटर कर सकते हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस वॉच से कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी वॉच लगी है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर फीचर हैं। और यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे तो डिफरेंट ये वॉच फेसेस आप सिलेक्ट करना है, वो वॉच फेस आप चेंज कर सकते हैं इस तरह। उसके अलावा अगर आप सेटिंग में मज़ीद जाएँ तो आपके पास और भी काफ़ी सारे फीचर आते हैं। इसके अलावा आप इसकी लाइट को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, उसके अलावा इसके आपने अगर टॉर्च ऑन करनी है वो भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब और हैंड टू राइज, ये सारे फीचर हैं। ब्लूटूथ डिस्प्ले वाइब्रेशन आपने अगर कम रखनी है कम भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो घड़ी की अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका सीरियल नंबर, इसका मैक एड्रेस, आप पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पीछे आपको 2 ये चार्जिंग पॉइंट नज़र आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो 4-5 हैं ये डिफरेंट सेंसर लगे हुए हैं जो डिफरेंट टाइप की जो मॉनिटरिंग करते हैं आपके ऑक्सीजन की, आपकी हार्ट बीट की और डिफरेंट तरह की। तो यहाँ पे पीछे आपको सेंसर और जो स्ट्रैप है वो बड़ा इजी, इसको हल्का सा प्रेस करें तो वो खुल जाता है। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी स्ट्रैप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं और एप्लीकेशन में अगर आप जाएँ तो एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे जो घड़ी के डिफरेंट जो फंक्शन है वो शो कर जाएगा, और उसके अलावा आपका आईडी शो कर रहा है, आपका वॉच फेस जो करंट अभी काम कर रहा है वो लगा हुआ है वो दिखा देगा। उसके बाद अगर आपने चेंज करना है तो इसको प्रेस करेंगे और आपके पास ये लोकल शो हो जाएगा 6। उसके बाद आप ऑनलाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फेस हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट सारे ही फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्री इनको डाउनलोड करके अपनी वॉच के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जो भी वॉचेज़ हैं डिफरेंट कैटेगरी हैं, उसके हर कैटेगरी के अंदर मज़ीद उसके अंदर काफ़ी सारे वॉचेज़ हैं फेसेज हैं, तो आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐप नोटिफिकेशन,
यहाँ पे आप जाएंगे तो आप ऐप्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस ऐप का आपको नोटिफिकेशन आपकी वॉच के ऊपर चाहिए, और जो आप अलाउ करेंगे उस एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन आएगा दूसरी का नहीं आएगा। उसके अलावा इनकमिंग कॉल को आप कर सकते हैं, अगर आपने कॉल्स अपनी वॉच पे इनकमिंग रखनी है या नहीं रखनी, वो भी आपके पास इसकी ऑप्शन है। उसके अलावा यूज़र गाइड है इसके अंदर, मज़ीद जितने भी आप अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड एक्टिविटी है, एडिशनल सेटिंग है इसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। दूसरा यहाँ पे वर्कआउट आप जैसे जैसे करेंगे तो आपकी GPS के हिसाब से आपकी रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी। यहाँ पे ऊपर आपको सारे मूड्स मिल जाएंगे और आपकी ट्रैकिंग होती रहेगी, आपने कितना वर्कआउट किया, किस किस एरिया में जाके कितने किलोमीटर किया। तो यहाँ पे आपकी स्लीप, कितने आवर्स आपने स्लीप किया, एनर्जी लेवल आपका कितना आपने किया, स्ट्रेस आपका और स्टैंडिंग पोजीशन, उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन, यहाँ पे और भी इस तरह के काफ़ी सारे फीचर हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी कमाल की घड़ी है। तो अभी हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। जी प्राइस की अगर बात करें तो ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की है। अमेज़ोन पे इसकी जो प्राइस है ये आपके सामने है 398 रियाल, आलमोस्ट 400 रियाल के करीब ये वॉच है।